महंगाइयां सर चढ़ के बोल रही है, मिडिल परिवार गरीब परिवार दाने दाने के लिए तरसे गाने वाले कल में, मोछ वाले अंकल, तोन वाले अंकल, उसका इंसाफ नहीं दे पाए आप। बाबू वीर कुंवर सिंह की आदम कद प्रतिमा आदरणीय लालू प्रसाद जी ने SER ब्लॉक चौराहे पे लगाई थी, वो लोग बना रहे हैं जिन्होंने फिरंगियों के आगे माफीनामा दिया है, उनके वंशज बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड में, आपके साथ अभिजीत सिंह। BJP की तरफ से आरा में विजय उत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा वीर कुंवर सिंह के पौर पुत्र को हत्या कर दिया गया और वहां BJP शक्ति प्रदर्शन और वीर कुंवर सिंह जयंती भी मना रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ RJD के प्रवक्ता शक्ति यादव सिंह हैं। सर, BJP आरा में वीर कुंवर सिंह जयंती मना रहे हैं और वहीं उनके पौर पुत्र को हत्या कर दिया जा रहा प्रशासन की तरफ, इसको कैसे आप देखते हैं? बाबू वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों के दांतों को खट्टा करने वाले और अपनी बाहों को गंगा में दान कर देने वाले उस वीर महापुरुष बाबू वीर कुंवर सिंह की आदम कद प्रतिमा आदरणीय लालू प्रसाद जी ने SER ब्लॉक चौराहे पर लगाई थी। राजकीय सम्मान, राजकीय समारोह, आदरणीय लालू प्रसाद जी उन दीवानों को तो देश की आज़ादी में आहुतियाँ दी है, देश के खातिर लगातार हम लोग सम्मान करते रहे। आज वो पार्टियाँ जो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इस सरकार के अंदर में है, उनके परपौत्र को कस्टोडियन डेथ होता है और चले हैं वीर कुंवर सिंह जी के उत्सव मनाने, अमृत उत्सव। अरे उत्सव मनाना था तो विजय प्राप्त करते महंगाई पर, बुलडोज करते महंगाई को, प्लान को ठीक करते। आज जिस तरह से सुरसे की तरह महंगाइयां सर चढ़ के बोल रही है, मिडिल परिवार गरीब परिवार दाने दाने के लिए तरसे गाने वाले कल में, इस महंगाई को बुलडोज आपने नहीं किया। आप बुलडोज धर्म विशेष के विचारधारा को, उनके आस्था को बुलडोज करना चाहते, गरीबों को बुलडोज करना चाहते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जन नायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को बुलडोज कर रहे हैं आप, लोकनायक जयप्रकाश जी के विचारों को, गांधी जी के विचारों को, अंबेडकर जी के विचारों को, गुरु नानक जी के विचारों को, संविधान को बुलडोज करने वाले लोग आज विजय उत्सव मना रहे हैं। किसका विजय उत्सव मना रहे हैं? वो लोग मना रहे हैं जिन्होंने फिरंगियों के आगे माफीनामा दिया है, उनके वंशज मना रहे हैं, उस वीर पुरुष का जिन्होंने अपनी सारी जीवन देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे, वीरता के प्रतीक बिहारी स्वाभिमान की सबसे बड़े धरोहर, देश के सबसे बड़े धरोहर बाबू वीर कुंवर सिंह जी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वो लोग कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? क्या लगता है कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं वीर लोग? सारे वीर तो उसमें खोजने से तस्वीरें नहीं मिल रही है। जिन लोगों ने बाबू वीर कुंवर सिंह का मान किया है नीतियों का, वो लोग मना रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल सभी उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया, अपने महापुरुषों को आदम कद प्रतिमा लगा करके पटना के चौराहे पर लोगों को सम्मान देने का काम किया। इसीलिए जो लोग मना रहे हैं उनको मनाने दीजिए, धन्ना सेट वाली पार्टी या कुछ हो करे। अरे बात करो महंगाई पर, लाचारी पर, बेबसी पर, अरे उस मना किसका मना रहे हो बिहार में भाई? बालिका गृह हत्याकांड, मोछ वाले अंकल, तोन वाले अंकल, उसका इंसाफ नहीं दे पाए आप। प्रतिदिन हत्याएं हो रही है पटना जैसे इलाकों में, उस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। चले महोत्सव मनाने, गरीबों को जीत लो, गरीबी पर विजय पालो, मना लो उत्सव, सम्मान करेंगे। चले हैं विजय उत्सव मनाने अपमान कर करके, एक तरफ उनके पर पोता कस्टोडियन डेथ होता है और आप चले हैं मनाने जयंती या उत्सव। कौन लोग मना रहे हैं, जिनका अतीत क्या है? क्या लगता है कि BJP अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है आरा में? भारतीय जनता पार्टी इस देश से 24 आने वाले 24 आम लोकसभा चुनाव में देश की जनता है पूरी तौर पर इनको नकारने का काम करेगी। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग महोत्सव मना रहे हैं उनको मनाने का नैतिक हक है जी। जिन लोगों ने फिरंगियों के सामने माफीनामा रखा था,
ग्वालियर के थानों में उनके वंशज आज मना रहे हैं उस वीर स्वतंत्रता सेनानी का, जिन्होंने गोली से आहत होने के बाद अपने भुजाओं का प्रवाह नहीं किया और गंगा में प्रवाह कर दिया, दान कर दिया उस वीर महापुरुष का। आप मनाने चले हैं, योग्यता रखते हैं, पात्रता रखते हैं मनाने का? जब किसी की जयंतियाँ हम मना रहे हैं तो हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए, ये पात्रता नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ शक्ति यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग वीर कुंवर सिंह जयंती मना रहे हैं वो फिरंगे के अधीन थे, तो वो वीर कुंवर सिंह जयंती मना रहे हैं। और भी खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।